जननायक जनता पार्टी की महिला विंग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में जननायक जनता पार्टी की नेत्री एवं विधायक नैना सिंह चौटाला ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने सभी महिलाओं से कोरोना महामारी के दौरान आई परेशानी के बारे में जानकारी हासिल की। नैना सिंह चौटाला के साथ इस अवसर पर जननायक जनता पार्टी महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष शीला भयान भी मौजूद रही। विधायक नैना चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उनके द्वारा चलाया गया हरी चुनरी चौपाल कार्यक्रम, जो महिलाओं के लिए एकमात्र कार्यक्रम चलाया गया था, बहुत ही पॉपुलर हुआ था। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ जो वादे किए थे उनको पूरा करने के लिए एवं महिलाओं को आगे लाने के लिए वह निरंतर जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं। इसी के तहत आज करनाल में भी महिला कार्यक्रम करवाया गया है। वहीं एसीटी रिपोर्ट पर नैना चौटाला ने कहा कि दुष्यंत चौटाला अपनी जगह सही है, दोनों का अपने अपने विभाग का मामला है। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि सीएम और गृह मंत्री अपनी जगह सही हो, लेकिन दुष्यंत को भी गलत नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा बड़ौदा उपचुनाव के बारे में उन्होंने कहा कि यह फैसला पार्टी हाईकमान करेगी कि बड़ौदा से किस पार्टी का प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय में पार्टी पूरी मेहनत के साथ कार्य करेगी और उपचुनाव में विजय हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उनके पूजनीय हैं और वह उनके द्वारा किए गए बयानों पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगी। अभय चौटाला पर बोलते हुए नैना चौटाला ने कहा कि खाली समय में उनको बोलने का अवसर मिलता है तो उनको बोलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल एवं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला साथ साथ सरकार चला रहे हैं, जो जनहितेशी एवं कल्याणकारी नीतियों को जनता के लिए लागू कर रहे हैं। नैना चौटाला का पार्टी के नेता मोहसिन चौधरी के निवास सेक्टर 14 में फूलों के बुके देकर स्वागत किया गया। देखिए करनाल से समाचार एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। इसे आगे बढ़ाने के लिए आपने ये कार्यकर्ता सम्मेलन किया और पूरे राज्य के अंदर आप इस तरीके से महिलाओं से जाकर उन्हें संबोधित कर रहे हैं। देखो, हम महिलाओं से हरी चुनरी चौपाल के माध्यम से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और पूरे हरियाणा में मुझे लगता है एक पहला जननायक जनता पार्टी का ऐसा प्रोग्राम था जिसमें स्टेज पर सिर्फ महिलाएं बैठती थी। तो पार्टी का बहुत, मैं तो कहती हूँ ये 2 साल हो गए हम ये प्रोग्राम करते करते। अब हम दोबारा जो है कोरोना, 4 महीने जो कोरोना का पीरियड था उसमें हम एक दूसरे से बिल्कुल नहीं मिल पाए थे, अब दोबारा ये सिलसिला शुरू किया है कि हम महिलाओं के बीच में जाएँ, क्योंकि महिलाओं ने बहुत मदद की थी मेरी, मेरा बहुत साथ दिया था। अब मेरी ड्यूटीज़ बनती है कि मैं उनके बीच में आके उनका काम करूं, जो जेन्युइन उनके छोटे छोटे काम है वो नहीं हो पाते, तो मैं हर ज़िले में जा रही हूं और जहां तक मेरी मतलब पहुंच है मैं उनके काम करवा रही हूं। आपकी पार्टी की सरकार में हिस्सेदारी है। जी जी, दुष्यंत चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस एसीटी पर सवाल उठाए जो शराब गड़बड़ी को लेकर बनाई गई थी। आज मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में कहा है कि किसी के बोलने से व्यवस्था नहीं चलती है, जो आरोप पाए गए हैं जिनके खिलाफ उनके खिलाफ जांच होगी, तो तल्खी दोनों के बीच नजर आ रही है। नहीं, ऐसी कोई तल्खी नहीं है, अपने अपने डिपार्टमेंट का मसला है। तो देखो, दुष्यंत अपनी जगह सही है, हो सकता है वो लोग अपनी जगह सही हो, तो ये काम तो दुष्यंत, अनिल विज जी और मुख्यमंत्री जी का है, इसका जवाब वो ही आपको बहुत अच्छी तरह दे पाएंगे। दुष्यंत चौटाला जी ने एक बात ये भी कही थी कि 15 FIR मेरे आबकारी मंत्री बनने से पहले दर्ज हो गई थी, लेकिन पुलिस वालों ने सिर्फ ड्राइवर तक जाँच रखी, तो क्या गृह मंत्री अच्छे तरीके से जाँच नहीं कर पा रहे हैं आपके हिसाब से? नहीं, मैं किसी के लिए कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, दुष्यंत का काम है, अगर मेरा होता तो मैं जवाब देती, ये दुष्यंत का डिपार्टमेंट है, दुष्यंत ही इसका जवाब देगा। पिछले दिनों ओम प्रकाश चौटाला जी का एक बयान आया था कि मेरे को तो उन्होंने दादा मानना छोड़ दिया और राम कुमार गौतम को दादा माना, वो भी उन्हें छोड़ कर चले गए। मैं पिताजी के लिए ऐसा कुछ नहीं कहूँगी, मैंने पीछे भी कभी नहीं कहा जब हमारी पार्टी टूटी थी, और अब तो मैं बिल्कुल मतलब नहीं, वो मेरे पिता है, मैं कुछ नहीं कहूँगी उनके लिए, चाहे वो कुछ भी कहे, चाहे वो बच्चों को गालियां निकाले, चाहे वो डंडे मारे, पर मैं उनके लिए कुछ नहीं कहूँगी। बड़ौदा चुनाव को, किस उपचुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? दोनों पार्टियां लगी हुई हैं जोर आजमाइश में, कौन सी पार्टी को टिकट मिलेगी आपको लगता है? देखो, ये तो संगठन जो है वो तय करेगा कि कौन सी पार्टी को टिकट मिलेगी, बाकी मेहनत करना हर पार्टी का कर्तव्य है, हर पार्टी के वर्कर्स हैं वहाँ, चाहे वो जननायक जनता पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, तो मेहनत करना तो हमारा काम है, इसलिए जाएंगे, मेहनत करेंगे, वर्करों से मिलेंगे। काफ़ी सवाल, अभय चौटाला का एक बयान आया था कि जो बीजेपी है, जेजेपी है और कांग्रेस, तीनों मिलकर काम कर रही है, यानी कि एबीसी तीनों आपस में पार्टियां हैं। उनके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी
कि जब पहले वो ये कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी इकट्ठे हैं, ठीक है, अब जननायक जनता पार्टी बन गई तो उनको उनके साथ, कुछ लोगों का काम शायद बोलना होता है, बोले बगैर रहा नहीं जाता, तो उनका काम बोलना है। शुक्रिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.